स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस को रविवार को मध्य प्रदेश सहित देश भर में युवा दिवस के रूप में मनाया गया। इस दौरान इंदौर में मुख्य कार्यक्रम एपीटीसी ग्राउंड महेश गार्डन लाइन में हुआ, जहां गृह मंत्री बाला बच्चन, स्वास्थ्य मंत्री तुलसीराम सिलावट, अधिकारियों सहित बड़ी संख्या में स्कूल कॉलेज के छात्रों और सामाजिक संगठनों सहित आमजन सूर्य नमस्कार कर योगा और प्राणायाम किया। गृह मंत्री ने कहा कि योगा और प्राणायाम से संबंधित हुए आयोजन में हम सभी ने भाग लिया। ऐसे कार्यक्रम से ऊर्जा मिलती है। योगा और प्राणायाम से बौद्धिक, शारीरिक, मानसिक सभी तरह का विकास होता है। सभी को इससे जुड़े रहना चाहिए। स्कूल और कॉलेजों में सूर्य नमस्कार को अनिवार्य करने को लेकर कहा कि यह सभी के लिए होना चाहिए, क्योंकि इससे शरीर स्वस्थ होगा और इससे लाभ ही लाभ होगा। युवा दिवस पे आयोजित किया जाता है, जिसमें कि योगा से संबंधित और श्री सिलावट जी कलेक्टर साहब और हमारे सारे जनप्रतिनिधिगण भी हैं, और इसमें जितने भी मध्य प्रदेश के जो शासकीय और अशासकीय स्कूल के छात्र छात्राएं हैं वो भी, और अधिकारी कर्मचारी गण भी, और जनप्रतिनिधियों ने सब ने हिस्सा लिया है। उसी कार्यक्रम में हम लोग भी इसमें शामिल हुए हैं। देखिए, इस कार्यक्रम से ऊर्जा मिलती है, एनर्जेटिक व्यक्ति जो होता है उसको जो अपने जो समय में जो लगती है एनर्जी, ऊर्जा मिलती है, एनर्जी मिलती है, और उसके बाद जो सभी तरीके से मैं समझता हूँ कि योगा से प्राणायाम से लाभ ही लाभ है, पूरे बहुत सारे इसके फायदे हैं। आप सब बहुत अच्छे से जानते हैं, शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक सब तरह का विकास होता है, तो सभी को इससे जुड़े हुए रहना चाहिए। चर्चा में उन्होंने कहा कि भूमाफिया और मिलावटखोरों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर बार न्यूज़, इंदौर।